कश्मीर में हिंसा भड़काने को लेकर पाक का नया प्लान बना रही है आर्मी। लाइव हिंदुस्तान.com नई दिल्ली 10 फरवरी 2017। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर भारत और अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में हिंसा भड़काने को लेकर नया प्लान बनाया है। हाफिज सईद की पाक में नजरबंदी और अजहर पर बैन लगाने की कोशिशों के बीच भी पाक अधिकृत कश्मीर (POK) से होने वाली आतंकी गतिविधियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अब पाकिस्तान (POK) के गरीब और पिछड़ों इलाकों के छोटे बच्चों को जिहादी बनाने में जुट गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाक पहले की तरह ही भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा है। पाक इस बात को लेकर भी डरा हुआ है कि उसे अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद ना रोक दी जाए, इसलिए अब पाकिस्तान नई रणनीति बना रहा है। जैश ए मोहम्मद पर बैन के डर से पाकिस्तान उसके जैसा एक नया संगठन बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। कश्मीर में भारत के खिलाफ जिहादी आर्मी। अब पाक द्वारा POK के कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें ज्यादातर वो युवा शामिल हैं जो घाटी के गाँव में रहते हैं और सेना पर पत्थर फेंककर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। पाकिस्तान उन कश्मीरी युवाओं को लेकर भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए एक आर्मी तैयार करना चाहता है। पाकिस्तान का ये प्लान अभी शुरुआती स्तर पर है। अभी वो कश्मीर के युवाओं को भटकाकर अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। अगले चरण में उन लोगों को हथियार और बाकी सामान के लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों को पाक तैयार कर रहा है उनमें से ज्यादातर को हथियार चलाना भी नहीं आता है। उन्हें जंगल, खराब मौसम जैसी कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत भी नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पाक सेना ने एक और उकसाने वाला काम किया है। पाकिस्तानी सेना ने बीते शनिवार को कश्मीर के पत्थरबाजों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक गाना रिलीज किया है। इस गाने का टाइटल संगबाज रखा गया है। संगबाज कश्मीर के पत्थरबाजों को कहा जाता है। ये पॉडकास्ट बजी टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित किया गया है।